हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू एसका इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक वीडियोकॉन टीवी लेके आया हूँ। वीडियोकॉन नहीं ये सैमसंग है, वीडियोकॉन सैमसंग दोनों सेम ही आता है। तो ये टीवी में मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ये मदरबोर्ड ठीक करने के लिए मैंने ऐसे ख़राब था उसके लिए ये ठीक नहीं हो पाया, उसके लिए मैं इस बोर्ड में यही ओरिजिनल पावर सप्लाई यूज़ करके एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इस पे आप देख सकते हैं ये पूरा ये कनेक्टर का पिन डिटेल्स है। इधर भी एक डॉट है और एक डॉट उधर भी है। एक कॉर्नर के हिसाब से इधर डेटा दिया है। इसका डिम ग्राउंड 5 वोल्ट ग्राउंड 12 वोल्ट ग्राउंड 5 वोल्ट फायर स्टैंड बाई पावर सप्लाई ऑन बैकलेट ऑन, इतना पिन हमारे पास अभी इधर मौजूद है। इस पे हम 5 वोल्ट और पावर सप्लाई ऑन यूज़ करके ये पावर सप्लाई को अभी स्विचिंग करना होगा। और इस पे एक 4 पेयर वाला बैकलेट कनेक्टर भी है। इस पे 4 अलग अलग कनेक्शंस दिए हैं बैकलेट के लिए। अभी ये पावर सप्लाई स्विचिंग करने के लिए अभी पावर सप्लाई बोर्ड रिमूव कर रहा हूँ। ये पावर सप्लाई बोर्ड रिमूव करने के बाद बैक साइड देखा तो बैक साइड भी सेम टू सेम इसका डेटा दिया है। ये डेटा सही से दिखाई नहीं देता, उसके लिए मैं अलग से टाइप करके डाल दिया। इस पे वोल्टेज अभी देखेंगे, अभी 12 वोल्ट भी नहीं आ रहे और 5 वोल्ट भी नहीं आ रहे हमको। इधर सिर्फ मिल रहे स्टैंड बाय 5 वोल्ट। ये स्टैंड बाय 5 वोल्ट यूज़ करके ये पावर सप्लाई को स्विचिंग करना होगा। स्टैंड बाय पावर सप्लाई और पावर सप्लाई ऑन के लिए एक रेसिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा इसको स्विचिंग करने के लिए। मैं उसके लिए एक 1K रेसिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये 1K नॉर्मल रेसिस्टर भी यूज़ कर सकता, मैंने इधर SMD रेसिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए अभी इसको सॉल्डरिंग कर रहा हूँ। अभी 5 वोल्ट से 1K रेसिस्टर पावर ऑन के लिए कनेक्ट हो गया। अभी हम देखेंगे इस पर वोल्टेजेस क्या क्या आता है। पहले हम 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं, 5 वोल्ट अभी आ गया, पहले नहीं आ रहा था। नेक्स्ट हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, 12 वोल्ट इधर आ गया, 12 वोल्ट अभी ओके है। नेक्स्ट और एक साइड में 12 वोल्ट चेक करेंगे, इधर भी 12 वोल्ट ओके है। नेक्स्ट ये ग्राउंड होता है, ग्राउंड में कुछ नहीं। नेक्स्ट ये 5 वोल्ट आता है, ये 5 वोल्ट में भी 5 वोल्ट आ रहा है। अभी हमारा पूरा पावर सप्लाई स्विचिंग ओके हो चुका है। नेक्स्ट हमको LVDS चूज़ करना होगा। ये पुराना वाइट कलर वाला पुराना है, उसके लिए मैं नया LVDS ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। उसका डेटा और इसका डेटा अलग अलग रहता है, उसके लिए वो बीच में 2 पिन ओपन करके छोड़ दिया, उस पर कोई भी कनेक्शंस नहीं। तो इसका पूरा कनेक्शन है, पुराना बोर्ड का और नया बोर्ड का पिन कनेक्शंस और डेटा अलग अलग होगा, उसके लिए मैं पुराना LVDS यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर पुराना LVDS ही यूज़ करना चाहे तो ऐसे उसका डेटा शीट निकल के उसका ऐसे कनेक्शंस कर दिए तो पुराना LVDS ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करना मैं एक अलग वीडियो बनाया, आई बटन में दे देगा, वो चेक कर लेना। नेक्स्ट आएगा सेंसर, सेंसर कनेक्शन करना ज़रूरी है। सेंसर वो नया बोर्ड के साथ आता है, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए अलग से वायर थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। उसके लिए ये पुराना सेंसर का ही डेटा यूज़ करके हम नया मदरबोर्ड में यही सेंसर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना होगा,
ये पुराना मदरबोर्ड का डेटा यूज़ करके नया मदरबोर्ड का डेटा से मैच करना होगा। ये देखिए हमारा पहला पिन आता है ग्राउंड, और नया मदरबोर्ड में पहला पिन में 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट इधर लास्ट से तीसरी पिन में हमारा 5 वोल्ट मिलता है। ये 5 वोल्ट को निकाल देना चाहिए। ये निकाल के फर्स्ट पिन में कनेक्ट करना है। फर्स्ट पिन में कनेक्ट करने के लिए पहले हम इधर ग्राउंड को पहले चेक कर लेंगे। ये पहला वाला ग्राउंड है, इस पे आके थर्ड पिन ग्राउंड है, वो ग्राउंड को उधर कनेक्ट कर देंगे। ये थर्ड पिन में भी सेम टू सेम ग्राउंड ही पड़ा है। ग्राउंड हमको किधर भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो ग्राउंड तो इधर सेम टू सेम पिन में कनेक्ट है। और एक ग्राउंड किधर आता है वो चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के पहले ये फर्स्ट पिन में 5 वोल्ट डाल देता हूँ। ये 5 वोल्ट डालने के बाद नेक्स्ट हमारा पिन आता है ग्राउंड वाला। एक ग्राउंड पिन इधर लास्ट सेकेंड पिन में आता है। ये लास्ट सेकेंड पिन में हम इधर ग्राउंड दोनों कनेक्ट कर लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ये सेकेंड पिन में की वन आता है। ये की वन रिमूव करके ये लास्ट पिन IR आता है। ये IR को हम इधर कनेक्ट करना पड़ेगा। IR मतलब वो रिमोट काम करने का सिग्नल होता है वो। नेक्स्ट आता है हमारा K0। K0 मतलब की जीरो होता है। ये फोर्थ पिन में और नए मदरबोर्ड में भी फोर्थ पिन में सेम टू सेम है, उसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा LED रेड, R मतलब LED रेड होता है। इधर LED R लिखा है, वो भी सेम टू सेम पिन में, उसको भी हम कुछ नहीं करने वाला है। नेक्स्ट हमारा एक इधर पिन बच गया है, वो की वन का है। की वन हम देखेंगे किधर आता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये लास्ट पिन में की वन आता है, वो लास्ट पिन में की वन कनेक्ट करना चाहिए। अभी देखिए पुराना की सेंसर ही हमको यूज़ हो रहा है। ये देखिए ये 12 वोल्ट को लगाने वाला कनेक्टर है, इसको हम देख के लगाना पड़ेगा। एक साइड 12 वोल्ट के जगह में ब्लैक रहेगा, एक साइड 12 वोल्ट के जगह में रेड रहेगा। रेड वाला 12 वोल्ट ही हम मदरबोर्ड में कनेक्ट करना है, अगर नहीं तो हमको कंफ्यूज हो जाएगा कनेक्शन करने टाइम में। तो बाद में अगर 12 वोल्ट में ग्राउंड लग गया, ग्राउंड में 12 वोल्ट लग गया तो हमारा बोर्ड खराब हो सकता है। ये पिन तो हम इधर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस पे पिन कनेक्शन अलग टाइप का है। उसके लिए मैं ये डेटा यूज़ करके इस पे हमको 6 वायर वाला कनेक्शन चाहिए। वो 6 वायर का कनेक्शन निकालने के लिए ये डेटा देख रहा हूँ। इस पे देखिए हमको बैकलाइट ऑन, डिम और 12 वोल्ट ग्राउंड इतना ही चाहिए। वो पिन्स कहाँ कहाँ आते हैं इधर चेक कर लेंगे पहले। ये देखिए ये दोनों पिन प्लस 12 वोल्ट हो गया, और ये दो ब्लैक पिन ग्राउंड हो गया, और ये लास्ट में एक बैकलाइट ऑन और डिम हो गया। डिम मतलब बैकलाइट एडजस्टमेंट भी होता है, बैकलाइट डिमर भी होता है। बाकी का कितना भी एक्स्ट्रा वायर्स है उसको पूरा मैं अभी निकाल रहा हूँ। इस पे छोटा छोटा लॉक्स रहेगा, वो लॉक्स को प्रेस करके हम आसानी से इस पिन को निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा टोटल 6 पिन बचा पड़ा है। इसको कनेक्टर कट करके उसके साथ जोड़ दिया तो हमारा कनेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा।
सॉल्डर करने के पहले मैं ये स्लीव्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टेप लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है स्लीव्स यूज़ किया तो। अभी मैंने पहले टोलोट का दो वायर्स निकाल रहा हूँ। एक कनेक्टर का पूरा स्किन करके इस पे एक एक वायर को ही मैं अभी सॉल्डर करता हूँ। एक एक को सॉल्डरिंग कर रहे हैं। अभी ये रेड वायर को रेड वायर के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए। वो रेड वायर के बगल वाला आता है बैकलेट ऑन, ये बैकलेट ऑन को ये वाइट वायर के साथ कनेक्ट करना। ये वाइट वायर भी बैकलेट ऑन को होता है। और नेक्स्ट आता है बैकलेट एडजस्टमेंट, ये बैकलेट एडजस्टमेंट को बैकलेट डिमर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट में हमारा बचा रहेगा दो ग्राउंड का, वो ग्राउंड दो ग्राउंड का ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए उसको पूरा ऐसे सॉल्डरिंग के ऊपर रख के हम इसको ब्लोअर से हीट कर दिया तो हमारा ये पूरा टाइट हो जाएगा। टाइट हो गया तो हमको कोई भी टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये पूरा एक सील जैसे हो जाएगा। उसके ऊपर एक बड़ा स्लीव डाल के उसको पूरा हीट कर दिया तो वो छोटा छोटा पीसेस में नहीं दिखेगा। अभी देखिए कितना साफ है। अभी हमारा पावर सप्लाई कनेक्शन पूरा हो चुका है और LVDS भी चूज़ कर चुका है। और वो LVDS हमने कैसे चूज़ करना वो भी मैटर होता है, हमको पहले ही पता था वो Full HD का। अगर वो पता नहीं हुआ तो उसको भी पता करने के लिए और एक तरीका है। ये ऐसे एक स्टिकर आएगा, ये स्टिकर का नंबर उठा के गूगल में डालना पड़ता है। वो गूगल में डालने तो उसका डेटा पूरा हमको मिल जाएगा। आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में ऐसे दिखेगा, मोबाइल है तो मोबाइल में ऐसे दिखेगा। पहले हम लैपटॉप में देखेंगे, लैपटॉप में ऐसे डाल दिया तो हमको उधर पैनल लुक डालना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आए तो ऐसे पैनल लुक डाल दिया तो पहला लिंक में panellook.com का वेबसाइट हमको मिल जाएगा। वो वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमको पूरा बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखिए ये पैनल का पूरा डिटेल्स ये होता है। इसका ये 40 इंच का सैमसंग का और ये नंबर है, ये TFT LCD है। और नेक्स्ट इसका रेजोल्यूशन Full HD है और इसका पिक्सल नंबर भी है इधर। और इस पे क्या डिटेल्स है हमको चाहिए वाला। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर TV, नो बैकलाइट, टच स्क्रीन विदाउट टच स्क्रीन है। ये पूरा डिटेल्स मोबाइल में भी दिख जाएगा, मोबाइल में भी सेम टू सेम रहेगा। 60 Hz का 2 TOF वाला IC का पैनल है और LVDS 2 चैनल 10 बिट 51 पिन का 12 वोल्ट यूज़ होने वाला पैनल है। ये पूरा डिटेल्स हमको इधर मिल चुका है, यही डिटेल्स से हम इधर कनेक्शन करना पड़ता है, रेजोल्यूशन सेट करना पड़ता है। अभी मैं पूरा कनेक्शन करके रेजोल्यूशन ये मदरबोर्ड में सेट करने के लिए ये पूरा मदरबोर्ड टेस्टर को कनेक्ट करता हूँ।
क्योंकि हमको ये पैनल में अभी पिक्चर नहीं आता है। अगर रेजोल्यूशन मिसमैच हो गया तो हमको बिल्कुल पिक्चर नहीं दिखाई देता। ये मदरबोर्ड टेस्टर में आप देख सकते हैं सेम टू सेम रेजोल्यूशन सेट हुआ। ये रेजोल्यूशन कैसे सेट करना है ये बोर्ड के ऊपर अलग से एक पूरा वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इधर बैकलेट तो ऑन नहीं हुआ, ये बैकलेट कैसे ऑन करना वो देखेंगे। मैं इसका पिछले वीडियो में यही सेम टू सेम बोर्ड सोनी टीवी में यूज़ किया था, वो टीवी में कैसे मैं बैकलेट ऑन किया था उसी तरीका से इस पर भी ऑन करने के लिए ट्राई करता हूँ। अब ये देखिए बैकलेट मैक्सिमम को 0 कर दिया और बैकलेट मिनिमम को 255 कर दिया, तो वो टीवी में बैकलेट ऑन हो गया था, लेकिन इस पे ऐसे नहीं हो रहे। इसका बैकलेट ऑन करने के लिए दूसरा ट्रिक ट्राई करना होगा। तो उसके लिए मैं कैसे था वैसे ही इसको कर देने वाला हूँ, बैकलेट मिनिमम को 0 करके और बैकलेट मैक्सिमम को 255 में रखने वाला हूँ। वो कैसे था ऐसे सेट करने के बाद हमको इधर पहले पैनल वोल्टेज स्विचिंग करना चाहिए। ये 5 वोल्ट में था, 8 वोल्ट को जम्पर लगा दिया। 8 वोल्ट को जम्पर लगाने के बाद हम इधर बैकलेट ऑन का एक पिन निकाल देंगे। 8 वोल्ट के बगल में रहने वाला बैकलेट ऑन पिन होता है, इसको निकाल के बीच में से मैं ये वायर को कट कर रहा हूँ। ये वायर को कट करने के बाद इसको दोनों को सॉल्डरिंग कर रहा हूँ। ये सॉल्डरिंग करके इसके बीच में एक 47K का रेसिस्टर डाल रहे हैं। ये 47K रेसिस्टर को वो 5 वोल्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, और 12 वोल्ट पैनल का कनेक्शन था ना उसका बगल वाला पिन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर भी बैकलेट ऑन नहीं हुआ, उसके लिए मैं 1K रेसिस्टर डाल दिया, उस पर बैकलेट ऑन हो गया। अभी हम इस बैकलेट ऑन होने के बाद इसका बैकलेट वोल्टेज चेक करना चाहिए। बैकलेट वोल्टेज हमको 35 मिल रहा है, हमको इधर मिलना चाहिए 31 अराउंड मिलना चाहिए। अभी इधर बैकलेट वोल्टेज ज़्यादा है, ज़्यादा रहने तो हमारा बैकलेट में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए मैं इधर बैकलेट मैक्सिमम को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, तो ये बैकलेट वोल्टेज भी कम होता जा रहा है। ज़रा आप देखिए हमको ऑलमोस्ट 31.4 मिल चुका है, और भी हम थोड़ा बैकलाइट मैक्सिमम को बढ़ा दिया तो हमको इधर बैकलाइट वोल्टेज कम होता है। ये देखिए अभी बैकलाइट हमारा ओके हो चुका है। ये बैकलाइट मिनिमम को कितना भी इंक्रीज करो ये कुछ भी वेरिएशन होने वाला नहीं है, फिर भी थोड़ा ट्राई करेंगे। बैकलेट कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, उसके लिए मैं अभी एक बार स्टैंड बाय कर दिया। स्टैंड बाय में 26 वोल्ट बैकलेट आ रहा है, स्टैंड बाय रिलीज कर दिया तो 31 वोल्ट अराउंड आ रहा है। अभी हमारा बैकलेट भी ओके हो चुका है। नेक्स्ट हम इस पर लोगो सेट करना चाहिए। लोगो सेट करने के लिए स्पेशल सेट में जाना, स्पेशल सेट में पावर ऑन लोगो में जाना। इस पर ये वीडियोकॉन का टीवी नहीं है, सैमसंग का है। इस पर सैमसंग का किधर भी लोगो नहीं है, उसके लिए मैं ऑफ करके रख देता हूँ। अभी हमारा बोर्ड कम्प्लीटली ओके हो चुका है ये टीवी में इस्तेमाल करने के लिए। मैं पहले बोलने जैसा वो 47K रेजिस्टर काम नहीं किया, उसके लिए मैं ये 1K रेजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी यूज़ करके उसको बैकलेट ऑन किया था, उसको सही तरीका से अभी सॉल्विंग कर रहा हूँ बस।
हमको और एक तरीका भी है, वो LVDS के पास 12 वोल्ट आता है ना, वो 12 वोल्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 47K रेजिस्टर डालना ज़रूरी है। इधर 5 वोल्ट कुछ आ रहा है, उसके लिए 1K रेजिस्टर चल जाएगा, उधर भी डाल सकते हैं, उधर डालने तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ये मदरबोर्ड के IC के ऊपर एक हीट सिंक लगाना चाहिए। हीट सिंक से थोड़ा इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल में आता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा फेविक्विक डाल रहा हूँ, ये तुरंत मेल्ट हो जा रहा है, शायद ये फेविक्विक एक्सपायर हो गया होगा। अभी मैं दूसरा फेविक्विक लेके ये दोनों कोना में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद फेविक्विक डाल दिया। डालने के बाद ये हीट सिंक को मैं इधर डाल दिया, ये हीट सिंक डाल दिया तो वो 30-40 सेकेंड में वो फिक्स हो जाएगा। अगर वही वाइट वाला पेस्ट में फिक्स होना चाहे तो 2 दिन तक टाइम लेता है। अभी पूरा सेट हो गया, हम एक बार ऑन करके देखेंगे। ऑन कर दिया तो पूरा पिक्चर आ चुका है, लेकिन इधर पिक्चर रिवर्स भी आया और नेगेटिव भी आया। इसको सॉल्व करने के लिए सर्विस मेनू में जाना होगा। सर्विस मेनू ओपन करके इस पे पैनल सेटिंग्स में जाना होगा। इस पे पैनल मैपिंग सेट कर दिया तो हमारा नेगेटिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यह पैनल मैपिंग सेट करने के लिए हम पैनल का डेटा शीट निकाला था ना, उस पे हमको मिल जाएगा। ये 10 बिट का 2 चैनल का पैनल है, वही 10 बिट इधर सेट करना पड़ेगा। अगर 2 बिट 8 बिट है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, हमारा पैनल मिररिंग को ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे। अभी पूरा सेटिंग हो चुका है, एक बार ऑफ करके ऑन कर देंगे। देखिए पिक्चर रिवर्स भी सॉल्व हो गया और नेगेटिव भी सॉल्व हो गया। HDMI एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। HDMI में मेरा Apple TV कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी हमारा Apple TV ओपन हो चुका है, अभी हमारा Apple TV ऑन हो चुका है और इसका होम स्क्रीन भी आ गया। ये वीडियो में आपको क्लियर किया होगा अगर बैकलाइट ऑन नहीं हो तो किस तरीका से दूसरा जगह से बैकलाइट ऑन करना और उसका वोल्टेजेस कैसे देख के उसको सेट करना बोल के। अगर हमारा बैकलाइट वोल्टेजेस ज़्यादा है तो थोड़ा दिन के लिए चल जाएगा, लेकिन बाद में बैकलाइट खराब होने का चांसेस बहुत है। ऐसे ही नया नया टीवी रिपेयर के बारे में वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी तरह का भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना देगा। अगर पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट किया तो मैं आपको पर्सनली आपका डाउट को मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये वीडियो पसंद हुआ होगा, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।